आप कहते हैं कि ये झुंड है, मैं कहता हूँ कि ये हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है। झुंड बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल रही? अमिताभ बच्चन के होते हुए भी फिल्म बड़े पर्दे पर अपना करिश्मा दिखा नहीं पाई। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। झुंड ने रिलीज के पहले दिन करीब 1.5 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर गंगूबाई काठियावाड़ी और बैटमैन जैसे फिल्मों से मुकाबला हो रहा है और इन मुकाबले में फिल्म झुंड कमजोर नजर आ रही है। झुंड नहीं टीम है ये। इस फिल्म की खास बात यह है, इसे मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट के निर्देशक नागराज मंजुळे ने बनाई है। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ रिंकू राजगुरु और आकाश टोसर जो सैराट के बाद एक साथ नजर आने वाले है। कहानी का आरंभ झोपड़पट्टी में रहने वाले झुंड के साथ होता है। ये झुंड बाइक पर निकलती है और रास्ते में महिलाओं की गले की चेन, मोबाइल पर हाथ साफ करती है, मालगाड़ी से कोयला चुराती है। इनमें से कोई कूड़ा बिनता है तो कोई गांजा बेचता है। मुझे चिकना देख रहे। हालांकि पढ़ाई लिखाई के नाम 5वीं से ज्यादा कोई शिक्षित नहीं होता है, पर हेयर स्टाइल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। झुंड का नायक डॉन, जिसका पिता शराबी है और माँ घरों में काम करती है, एक बार स्कूल के पिछले गेट से निकलते समय बारिश में स्पोर्ट्स कोच विजय झोपड़ी के झुंड को प्लास्टिक के डब्बे से फुटबॉल खेलते दिखते हैं। विजय का रिटायरमेंट करीब होता है। इन बच्चों को प्रतिदिन आधा घंटा फुटबॉल खेलने के बदले 500 रुपए देने का ऑफर देता है। पैसों के लालच में वो खेलने के लिए राजी होते हैं। फुटबॉल खेलने की लत लगने के पीछे विजय के नेक इरादे होते हैं। ये बच्चे एक पत्थर मारकर सुअर को मार गिराते हैं। इनके हाथों में पत्थर की जगह अगर एक गेंद थमा दी जाएगी तो ये विश्व के सबसे तेज गेंदबाज बन सकते हैं। खेल से जुड़ने के बाद किस प्रकार इन बच्चों में बदलाव आता है, विजय को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो बाजी जीत जाते हैं, इसकी कहानी है। ओ सर, देखो ये क्या बोल रहा। भारत मतलब ये फिल्म उच्च जाति विरुद्ध नीच जाति की भावना के बारे में बात करती है। शायद इंडियन ऑडियंस को यह अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखा नहीं पा रही। आप कहते हैं कि ये झुंड है, मैं कहता हूँ कि ये हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है। बॉलीवुड की ताजा गॉसिप और एक्टर एक्ट्रेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखिए बॉलीवुड वायरल स्टार्स। बॉलीवुड वायरल स्टार्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।